तुम्हारी सैलरी तो कर दूंगा मैं 1 महीने की 1 लाख रुपए, पर उसके लिए तुम्हारी बीवी को मेरे साथ 1 रात के लिए छोड़ना होगा। 1 लाख रुपए महीना और तुम्हारी बीवी 1 रात के लिए मेरे साथ बिस्तर पर, देख लो, चॉइस इज योर। सर आज आपने कौन सी ऐसी अर्जेंट मीटिंग रख ली जो मेरे को अपनी वाइफ के साथ आना पड़ा? आज मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ इसलिए बुलाया इस मीटिंग में क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारा प्रमोशन कर दिया जाए, क्यों ना तुम्हारा डेजिग्नेशन अप हो जाए। मैं तुम्हें अपने कुछ प्रोडक्ट्स में एज अ टीम लीडर लेना चाहता हूँ और हाँ, मेरे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट में मैं तुम्हें एज अ सुपरवाइजर लेना चाहता हूँ। मेरी कंपनी के काफी प्रोजेक्ट्स को तुम लीड करोगे और हाँ, इसी के साथ साथ तुम मेरी पर्सनल डील्स का भी ध्यान रखोगे और हाँ, उसके साथ साथ तुम्हें भी मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। तुम्हारी सैलरी तो कर दूंगा मैं 1 महीने की 1 लाख रुपए, पर उसके लिए तुम्हारी बीवी को मेरे साथ 1 रात के लिए छोड़ना होगा। 1 लाख रुपए महीना और तुम्हारी बीवी 1 रात के लिए मेरे साथ बिस्तर पर, देख लो, चॉइस इज योर। क्या सर आपका दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रहे हो आप? ये मुझे पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। हर डील का अपना नियम होता है और इस डील का यही नियम है। बस 1 रात की तो बात है, रात गई बात गई। बाद में भूल जाना यार कि मेरे साथ 1 रात गुजारी थी, देख लो अपनी बीवी से बात करके। 1 रात की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, देख लो अपनी बीवी से बात करके। 1 लाख रुपए कम नहीं होते, साल के पूरे 12 लाख रुपए होते हैं। और 12 लाख रुपए कम नहीं होते, लोगों को सालों लग जाते हैं इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए और मैं तो तुम्हें सिर्फ 1 रात के लिए ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। बात कर लो अपनी बीवी से, क्या पता मान जाए। कर लो कर लो। अंजू तुम बैठे बैठे यहाँ इसकी बकवास क्या सुन रहे हो? चुपचाप चलो यहाँ से। अरे यार शिवी, 2 मिनट रुको तो सही। अरे 1 रात की तो बात है, रात गई बात गई, भूल जाना। अंजू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार शिवानी, 2 मिनट बैठो सही। अरे 1 रात की तो बात है, रात गई बात गई, भूल जाना। सर आप मेरे प्रमोशन का लेटर तैयार कीजिए। ठीक है, लेटर तो मैं अभी निकाल देता हूँ, लेकिन तुम्हारे टर्मिनेशन के। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम काबिल तो हो टीम लीडर के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। मैं देख रहा था तुम्हारे अंदर के इंसान को। एक डेजिग्नेशन के लिए तुम अपनी बीवी को बेचने आ गए और 1 रात के लिए तुम अपनी बीवी को किसी के साथ शेयर कर रहे हो। जो बंदा एक पैकेज के लिए अपनी बीवी को दांव पे लगा सकता है, वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके बेचने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कल को तुम मेरी कंपनी की सारी डील संभालोगे, तुम्हें सब पता होगा मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ, कितने में कर रहा हूँ। कल को कोई कॉम्पिटिटर आता और तुम्हें पिक करता है, तुम तो आसानी से चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास मेरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है। 2 रुपए महीने का पैकेज दे रहा हूँ, कल को कोई आके तुम्हें अगर 2 लाख रुपए महीने का पैकेज देगा ना, तो तुम आसानी से बिक जाओगे और जाके मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उसे लीक कर दोगे। और जो इंसान अपनी बीवी को बेच सकता है ना, वो खुद भी बिक सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने इसीलिए बोला था, मैं इसी तरीके से तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था। ऊपर से तो मैं तुम्हें जानता था, यू आर वेरी कैपेबल गाय, बट आज मैंने तुम्हें ना अंदर से भी जान लिया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और तुम कितने रुपए में बिक जाओगे। मैं तो तुम्हारे अंदर के इंसान को देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल कैसा है। अगर तुम मुझसे यूं कहते कि सॉरी सर, मैं ऐसे अपनी बीवी को किसी के साथ नहीं छोड़ सकता, तो तुम्हारे टर्मिनेटर लेटर की जगह तुम्हारा प्रमोशन लेटर आता और कल से तुम इस कंपनी में 1 लाख रुपए महीना कमाते। पर अफसोस, तुम कल तक इस कंपनी में 25,000 रुपए महीना कमा रहे थे, पर अब वो भी नहीं कमा पाओगे। कहीं और देख लेना अपनी जॉब, इस कंपनी में लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यू आर फायर्ड फ्रॉम माई कंपनी। और हाँ, कल तुझे तेरा टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। और मैडम आई एम सॉरी, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे बस इसका टेस्ट लेना था, आप मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छा किया, आखिरकार मुझे इस इंसान की असलियत पता चल गई है, कितनी नीच और कितनी घटिया सोच का इंसान है। इतना लालची है कि अपनी बीवी को किसी को बेच भी सकता है। पता नहीं किस हद तक जा सकता है इंसान पैसों के लिए। तुम्हारी जॉब भी गई और अब मैं भी जा रही हूँ, डिवोर्स पेपर ना तुम्हारे घर पे आ जाएंगे और मैं जा रही हूँ। अरे शिवी सुनो तो सही, तुम्हारी बात ना मैं कोर्ट में सुनूंगी सिर्फ।